नंबर। तो एक बहुत ही शानदार सा टॉपिक हीमोग्लोबिन, लगाओ हेडिंग पर हीमोग्लोबिन, बहुत ही शानदार टॉपिक है और दैनिक जीवन के लिए भी बहुत ज्यादा उपयोगी है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन देखो प्यारे विद्यार्थियों, समझना इस पॉइंट को, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। आपका ब्लड है? हाँ सर, ब्लड है। ब्लड में आरबीसी है, ब्लड में आरबीसी है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। हाँ मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। ब्लड है, ब्लड में आरबीसी है और आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है। अब इस हीमोग्लोबिन में 5% हीम वर्णक पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के अंदर 5% होता है हीम वर्णक, जबकि हीमोग्लोबिन में 95% मात्रा में ग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। ग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। ये क्लासें जो चल रही है, वैसे प्रॉपर जो क्लासें आपको चल रही है, ये डाबरा क्लासेज एप्लीकेशन पे चल रही है। बीच बीच में से मैं कुछ वीडियो आपको YouTube पर भी डाल देता हूँ, अगर कोई कंसेप्ट अच्छा होता हो तो उसको YouTube पर भी मैं डाल देता हूँ। बाकी की जो आपको कंप्लीट प्रॉपर जो ये वीडियो चल रही है, ये डाबरा क्लासेज एप्लीकेशन पे चल रही है। DABRA, डाबरा क्लासेज, तो आप भी जुड़ सकते हो डाबरा क्लासेज एप्लीकेशन के साथ में। प्ले स्टोर से डाबरा क्लासेज एप्लीकेशन करो डाउनलोड, अपना नाम लिखो, मोबाइल नंबर लिखो और वहां पे स्टोर में जाके देखिए, नीचे का ऑप्शन आता है स्टोर का, उसमें जाके देखिए, वहां पे आपको फिजिक्स स्पेशल, केमिस्ट्री स्पेशल, बायोलॉजी स्पेशल, आपको हर सब्जेक्ट की अलग अलग वीडियो मिल जाएंगी। एकदम नया बैच है, लेटेस्ट बेस्ट है। और आपको मैं ये कह रहा हूं, ये जो बैच आपका चल रहा है, ये गारंटी से आपकी कोई भी कंपटीशन, कोई नाम नहीं है इस बैच का, ये है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे वो SSC हो, रेलवे हो, पुलिस हो, रीट हो, स्टेनो हो, LDC, कुछ भी हो, A to Z, जनरल साइंस में इससे ज्यादा आप कुछ नहीं पढ़ सकते। तो अभी प्ले स्टोर से डाबरा क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और YouTube पर नीचे मैं आपको एक लिंक दे रहा हूं, जहां पे आप कमेंट वगैरह लिखते हो तो वहां से आप डायरेक्ट क्लिक करके एप्लीकेशन पे जा सकते हो। वैसे आप समझदार हो, प्ले स्टोर पे जाइए, डाबरा क्लासेस लिख दीजिए, मिल जाएगी एप्लीकेशन। गांव का नाम है भाई मेरा, डाबरा मेरा गांव का नाम है, उसी के नाम से हमारी सभी चीजें चल रही है। डाबरा क्लासेज बाय संजय डाबरा सर। चलो, ब्लड है, ब्लड में आरबीसी है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में एक वर्णक है हीम वर्णक। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, इस हीम वर्णक में, बहुत अच्छी बात बोल रहा हूं, हीम वर्णक में Fe+2 धातु पाई जाती है। Fe+2 को हम बोलेंगे फेरस, याद कर लो फेरस। Fe+2 को हम क्या बोलते हैं? फेरस धातु पाई जाती है, फेरस धातु पाई जाती है। इस हीम वर्णक में फेरस धातु पाई जाती है, जिसकी वजह से, इस धातु की वजह से, फेरस धातु की वजह से, जिसकी वजह से ब्लड का रंग लाल होता है। ब्लड का रंग कैसा होता है? लाल होता है, लाल होता है। अगर वो आपसे पूछे कि ब्लड का लाल रंग किस धातु की वजह से होता है, तो आपको RS में आया था ये क्वेश्चन,
आप पिछला पेपर उठा लो, पिछला पेपर में आरएस के अंदर एक क्वेश्चन था कि ब्लड का लाल रंग किस धातु की वजह से होता है, फेरस। अगर भैया ऑप्शन में एफ ई प्लस थ्री भी मिलेगा, ये फेरिक होता है, फेरिक, फेरिक, ये फेरिक है, वो फेरस है। तो ब्लड का लाल रंग जो होता है वो एफ ई प्लस टू धातु की वजह से होता है, फेरस की वजह से होता है। किस वर्णक की वजह से होता है ब्लड का लाल रंग? हीम वर्णक की वजह से। किसकी वजह से होता है हमारा ब्लड का लाल रंग? हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। तो धातु का नाम पूछे एफ ई प्लस टू बताना, वर्णक का नाम पूछे तो हीम बताना, और वैसे हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा ब्लड का कलर कैसा होता है? लाल होता है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, खुद हीमोग्लोबिन का कलर कैसा होता है? खुद हीमोग्लोबिन का जो रंग होता है मित्रों वो बैंगनी होता है। हीमोग्लोबिन का खुद का कलर बैंगनी होता है। हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का रंग लाल होता, अच्छी बात है। एक्चुअली क्या है कि ये ऑक्सीजन को जोड़ के लेके जाते हैं, जैसे ही हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ती है, फेफड़ों में से अगर कोई ऑक्सीजन को लेके जा रहा है ना, तो वो हीमोग्लोबिन है। जैसे आप सांस ले रहे हो, देखो ऑक्सीजन आपके फेफड़ों में चली गई, फेफड़ों में जो ऑक्सीजन है इसको कौन लेके जा रहा है? मानव शरीर की प्रत्येक कोशिका तक कौन पहुंचा रहा है इसको? तो कौन पहुंचा रहा है इसको? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जैसे ही ऑक्सीजन को जोड़ता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं, जो लाल जो कलर हो रहा है ना प्रॉपर, वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। अकेला हीमोग्लोबिन की वजह से नहीं, ऑक्सीजन के जुड़ने से बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, उसकी वजह से ब्लड का कलर कैसा होता है? लाल। ध्यान से सुन लीजिए, हीमोग्लोबिन का खुद का कलर बैंगनी होता है, लेकिन हीमोग्लोबिन से जैसे ही ऑक्सीजन जुड़ेगी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, और उसकी वजह से ब्लड का कलर कैसा हो रहा है? लाल होता है। आपसे वो ये पूछता है कि हीमोग्लोबिन क्या है, तो बोलना हीमोग्लोबिन एक प्रकार की प्रोटीन होती है। पूछेगा कोई आपसे पूछे हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन क्या है, बोलो हीमोग्लोबिन क्या है? आपका जवाब होगा कि हीमोग्लोबिन एक प्रकार की प्रोटीन है, संयुग्मित प्रोटीन। आगे सरल, व्युत्पन्न, संयुग्मित, ऐसे प्रोटीनों का वर्गीकरण है। लेकिन अभी आप इतना सा सीख लीजिए कि हमारे हीमोग्लोबिन में 95% ग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। हीमोग्लोबिन में 95% ग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है, इसलिए हम बोल सकते हैं हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रकार की प्रोटीन है। और एक क्वेश्चन और, हीमोग्लोबिन एक प्रकार का श्वसन वर्णक भी होता है। यह शब्द भी है कक्षा छठी सातवीं की किताबों में। तो दोनों ही आंसर सही है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हीमोग्लोबिन क्या है, तो बोलना हीमोग्लोबिन एक प्रकार की प्रोटीन भी है, राइट आंसर। अगर आपको बी ऑप्शन में मिले क्या श्वसन वर्णक है, तो ए और बी दोनों सही है, बिल्कुल ऑप्शन में मिलेगा, ए और बी दोनों सही है। मैं ये नहीं कह सकता ए सही है बी नहीं, दोनों ही सही है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हीमोग्लोबिन एक प्रकार की प्रोटीन है, या कह सकते हैं ये एक प्रकार का श्वसन वर्णक है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन ये ही करता है, फेफड़ों में से ऑक्सीजन को लेके जाता है और कोशिकाओं तक पहुंचाता है, वहां पर होती है श्वसन की क्रिया, कोशिकाओं में होती है श्वसन की क्रिया। मैंने आपको पढ़ाया है श्वसन वाले चैप्टर में, वायवीय श्वसन जब पढ़ाया था तो वहां पर यह ऑक्सीजन ग्लूकोज का दहन करती है, इसीलिए इसको बोलते हैं श्वसन वर्णक। दोनों ऑप्शन से हीमोग्लोबिन एक प्रकार की प्रोटीन भी है, एक प्रकार का श्वसन वर्णक भी है। एक चीज और, एक क्वेश्चन और आपको मैं नोट करा देता हूं, नोट करो प्यारे विद्यार्थियों। एक क्वेश्चन आता है, एक हीमोग्लोबिन का अणु, अच्छा क्वेश्चन है, एक हीमोग्लोबिन का अणु अपने साथ चार ऑक्सीजन के अणुओं को, एक हीमोग्लोबिन का अणु अपने साथ चार ऑक्सीजन के अणुओं को जोड़कर लेकर जाता है।
लेकर जाता है। मैं फिर इस बात को रिपीट कर रहा हूं, हमारी ऑक्सीजन कहां है? फेफड़ों में। ऑक्सीजन फेफड़ों में चली गई, फेफड़ों में से ऑक्सीजन को कौन जोड़ के लेके जाएगा? हीमोग्लोबिन। एक हीमोग्लोबिन का अणु आपके फेफड़ों में से चार ऑक्सीजन के अणुओं को जोड़कर लेके जाएगा। ध्यान से सुन लीजिए, अब मैं लिखता हूं हीमोग्लोबिन की मात्रा। हीमोग्लोबिन, कभी भी जब हम सीबीसी करवाते हैं, मतलब ब्लड का जब टेस्ट करवाते हैं, तो हमारी जांच में सबसे मेन जांच होती है हीमोग्लोबिन की। क्योंकि अगर हीमोग्लोबिन कम ज्यादा हो गया, मतलब कहीं ना कहीं ऑक्सीजन के परिवहन में दिक्कत हो जाएगी। हीमोग्लोबिन का जो मेन काम है ना मित्रों, वो है ऑक्सीजन का परिवहन। पूरे शरीर के अंदर यदि ऑक्सीजन सप्लाई का कोई काम कर रहा है, ब्लड नहीं, हीमोग्लोबिन कर रहा है। अरे ब्लड है, ब्लड में आरबीसी है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है, वो हीमोग्लोबिन ही तो ऑक्सीजन को जोड़ के लेके जाएगा। तो हीमोग्लोबिन की मात्रा की बात करूं, अभी पूछा है कौन सी एग्जाम में, पटवारी की में। देखिए, पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 से 14 ग्राम या 16 कर लीजिए, 18 तक देते वो तो ऑप्शन है। पुरुषों में 12 से 16 ग्राम प्रति 100 ml कर लो, और महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 से 14 ग्राम प्रति 100। भैया देखो, एग्जाम 12 से 18 भी लिखती है, 19 भी लिखती है। जब एनसीईआरटी की किताब लिखती है कि पुरुषों में हीमोग्लोबिन की रेंज ये है, परीक्षा वाले तो पता है ऑप्शन अपनी तरफ से लिखते हैं 12 से 19 तक हो सकते। अरे हो तो कुछ भी सकता है, किताबों में लिखा हुआ, एनसीईआरटी लिखती है कि हमारे शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 है। समझना मेरी बात को, हमारी किताबें लिखती है, एनसीईआरटी लिखती है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड लिखती है कि हमारे शरीर के अंदर जो मसल्स है, मांसपेशियों की संख्या 639 है, लेकिन एग्जाम क्या कहती है, 700 होती है। ऑप्शन है भैया, उनकी मर्जी है। अरे जब किताबों में 639 दे रखी है, तो आप भी ऑप्शन में 639 दे दीजिए ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, लेकिन वो लिखती है 600 से 700। ठीक है, ऐसे ही हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 से 16 पुरुषों में, ऑप्शन देते 19 तक, उनकी मर्जी है भैया, थोड़ा सा देख रेख कर लेना। यह है हीमोग्लोबिन की मात्रा पुरुषों में इतनी होती है 12 से 16 ग्राम, और लगभग महिलाओं में 12 से 14 ग्राम। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए, महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम क्यों होती है, कारण क्या हो सकता है, ढूंढिए, दिमाग चलाएंगे। जो विद्यार्थी नए है, तो सबसे मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाएं। आपका साथ है तो अपना विकास है। बस इतना जरूर है कि जनरल साइंस के अंदर इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की पूरी क्लास आरबीसी के ऊपर रही है, और आरबीसी के अंदर हमने ये पढ़ा था कि आरबीसी का निर्माण कहां से होता है, आरबीसी का आकार कैसा होता है, आरबीसी की संख्या कितनी होती है, आरबीसी का जीवन काल क्या है, आरबीसी की कमी अधिकता से रोग कौन कौन से होते हैं, और आरबीसी के अंदर ही हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसी हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा ब्लड का कलर कैसा होता है, लाल होता है मित्रों, रेड कलर होता है। एक क्वेश्चन और आपसे पूछता हूं, जिन लोगों में आरबीसी की कमी होती है, डॉक्टर कहता है ऊंचाई पे जाने के लिए, ऊंचाई पे ऐसे नहीं मकान पे जाके बैठ गया, मतलब मान लीजिए मेरे अंदर आरबीसी की कमी हो गई, मतलब एनीमिया रोग हो रहा है, तो डॉक्टर सलाह देता है कि कुछ दिन के लिए, महीने 6 महीने के लिए आप पहाड़ों पे चले जाइए, संत बन जाओ 6 महीने के लिए, 4 महीने। तो ऊंचाई पे जाने पे आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है क्यों? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा माना जाता है कि ऊंचाई पे जाएंगे तो वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। समझना मेरी बात को, आप जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हो ऑक्सीजन की कमी होती है, और शरीर में ऑक्सीजन की कमी होगी
तो हमारा शरीर तेजी से आरबीसी का फॉर्मेशन शुरू कर देगा। तो ऊंचाई पे जाने पर ऑक्सीजन की कमी होगी शरीर में, और जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो हमारा शरीर उसकी पूर्ति करने के लिए जल्दी से आरबीसी का निर्माण करना शुरू कर देगा। तो ये कहानी है आरबीसी के ऊपर। तो अगली क्लास में हम आपको मिलेंगे डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के साथ में, और अच्छे से चीजों को पढ़िए, नोट्स बनाइए और बहुत बेहतर से। मेरा टेलीग्राम लिंक है, ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको हाथ से लिखे हुए नोट्स मिल जाएंगे। डाबरा क्लासेज के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, डाबरा क्लासेज के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो आप ज्वाइन करिए, वहां पे हाथ से लिखे हुए नोट्स ले सकते हो और हर दिन अपने मित्रों के साथ इन चीजों के बारे में थोड़ा सा शेयर करो चीजों को। जो चीज आप पढ़ते हो ना, उसको अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर किया करो। बहुत बहुत धन्यवाद, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।